नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप जहां भी जाएं वहां अपनी एक छाप छोड़ दें? क्या आप भी चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वो आपको तुरंत याद हो जाए? आपके इन्हीं सवालों का जवाब है हमारी आज की किताब, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड व्हाइल यू आर स्लीप। सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल में जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आपको सबकॉन्शियस माइंड और उसकी अमेजिंग पावर्स के बारे में कुछ जानकारी देना इस वीडियो को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें न्यूरोसाइंस, साइकियाट्री, फिजियोलॉजी, फिलॉसफी और अदर साइंस रिलेटेड फील्ड्स की, तो इन सभी जगहों पर हमें सबकॉन्शियस माइंड का नाम नहीं देखने को मिलता। न्यूरोसाइंस में बस दो तरह के माइंड बताए गए हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को ही कई लोग सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। अब चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फर्क क्या है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिकल कामों को करता है, जैसे आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाना हो, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हो, और वे सारे काम जिनके बारे में आपको सोचना पड़े, ये सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। कॉन्शियस माइंड के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि आपके दिमाग का कुल 5% हिस्सा आपका कॉन्शियस माइंड उपयोग करता है, बाकी के बचे 95% को सबकॉन्शियस माइंड उपयोग में लेता है, और बाकी थ्योरीज कहती हैं कि कॉन्शियस माइंड कुल दिमाग का 10% हिस्सा उपयोग में लेता है और बाकी 90% हिस्से को सबकॉन्शियस माइंड उपयोग में लेता है। इन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। कल्पना कीजिए, आप अपने घर के कमरे में बैठे हैं, तभी आपके दोस्त का फोन आता है। फोन पर आपका दोस्त कहता है कि वो आपके घर से कुछ दूर वाले पार्क में बैठा हुआ है और आपसे वहाँ आने को कहता है। तब आप क्या करेंगे? शायद आप उठें और फोन पर बातें करते करते ही पार्क पहुंच जाएं। जी बिल्कुल, आपको रास्ते के बारे में नहीं सोचना पड़ा, न चलने के बारे में। ठीक ऐसे ही हमें सुबह टूथब्रश करने के लिए नहीं सोचना होता। कभी आपने गौर किया ये सारे काम कैसे झटपट से ऑटो पायलट मोड पर हो जाते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमोशन, हमारे फीलिंग्स और बचपन से हमारे ब्रेन को भेजे गए प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो क्या अब भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसे ही तो माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। बहुत से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, जिनके बेसिस पर हमारा पूरा लाइफ साइकिल चलता है, उसे ही माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने बचपन से आज तक जो भी पढ़ा, लिखा, सुना या महसूस किया, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और हम आज जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, वो सब कुछ माइंड प्रोग्रामिंग के बेसिस पर ही है। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं, यहाँ तक कि हमारे रिलेशंस, हमारा कैरियर, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा माइंडसेट, हमारी एजुकेशन और हमारा बिहेवियर तक सब इसी माइंड प्रोग्रामिंग पर आधारित हैं। हम दिन भर जो भी करते हैं इस माइंड प्रोग्रामिंग के बेस पर ही करते हैं। अक्सर हमें ये नहीं पता होता कि हम जो भी बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होते हैं और माइंड प्रोग्रामिंग क्या होती है। अब हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के उन सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का फर्स्ट ट्रिक है प्रैक्टिस अफर्मेशंस। जी हाँ दोस्तों, अफर्मेशंस ने कई लोगों के जीवन को बदला है। कई लोगों ने अफर्मेशंस की हेल्प से अपनी लाइफ में कई सारी चीजें हासिल की हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये अफर्मेशंस हैं क्या? तो देखिए, अफर्मेशंस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की तरह होते हैं। ये पॉजिटिव शब्दों से मिला हुआ एक सेंटेंस होता है जो कि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन देता है, और फिर ये इंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में पहले से फिक्स्ड नेगेटिव और गलत थॉट्स के पैटर्न को चैलेंज करते हैं। बार बार कन्विक्शन के साथ रिपीट किए जाने पर अफर्मेशंस अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं।
आप अफर्मेशंस की प्रैक्टिस रात को सोने जाने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय है आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जल्द से जल्द पहुंचने का। आप खुद को कुछ इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही जा रहा है, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, मैं अपना सभी काम पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, मैं सबसे पहले अपने जरूरी जैसे पढ़ाई के कामों को पूरा करता हूँ, मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। आप अपने आप इसे खुद बना सकते हैं। याद रखिए कि ये प्रेजेंट टेंस में हूँ और पॉजिटिव हूँ, बस यही है अफर्मेशंस। बढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की सेकेंड ट्रिक की तरफ, जो है विजुअलाइजेशन करें। जी हाँ, विजुअलाइजेशन आखिर होता क्या है? दोस्तों, विजुअलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को पहले से इमेजिनेशन कर उसे एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है या प्राइज रिसीव करना होता है या फिर कहीं कोई भाषण देना होता है, तो आप अक्सर नींद में इन्हें विजुअलाइज करते हैं। आप सोचते हैं कि अगर भाषण देते वक्त मैं अटक गया तो क्या होगा, या फिर प्राइज रिसीव करते वक्त मैं कैसा लगूंगा। दोस्तों, यही है विजुअलाइजेशन। लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे पॉजिटिव बनाकर अपने विजुअलाइजेशन को रियलिटी बना सकते हैं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के लिए बस आपको इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर वन, सबसे पहले आप अपने विजन को क्लियर रखें। नंबर टू, आप अपने विजन को कैसे पा सकते हैं उसका रोड मैप विजुअलाइज करें। जैसे कि अगर आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप उन कामों को, उन एथिक्स को विजुअलाइज करें जिनकी हेल्प से आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आसान भाषा में कहूँ तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल नहीं घबरा रहे। इन शॉर्ट, आप सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और पूरी ईमानदारी के साथ अपना प्रेजेंटेशन दें। इस तरह आप पाएंगे कि कैसे आपका पॉजिटिव विजुअलाइजेशन अब आपकी रियलिटी बन चुका है। आप रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये आपको खुद ब खुद चौंका देगा। अपने विजुअलाइजेशन को अपने इमोशंस के साथ अटैच करना ना भूलें, क्योंकि जब आपकी भावनाएं इससे जुड़ती हैं, तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है, और इसी स्ट्रांगनेस को कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते रहिए। बढ़ते हैं सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की थर्ड ट्रिक की तरफ, जो है डायरी राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरी राइटिंग हम सभी ने बहुत छोटी सी क्लास में सीख लिया था। यकीन मानिए, जब आप डायरी राइटिंग करते हैं और एक लंबे अरसे के बाद अपनी लिखी चीजों को फिर से पढ़ते हैं, तो आप खुद से मिलते हैं, उन यादों से मिलते हैं जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि लिखते समय हमारा ब्रेन अवेयर एंड कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिससे कि हम सब कॉन्शियस माइंड तक अपने प्रोग्राम को आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें बस दो चीजें करनी होंगी। नंबर वन, सबसे पहले कोई टाइम फिक्स करना होगा डायरी राइटिंग का। अगर वो टाइम रात का हो तो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर टू, आपको 2 से 3 पेजेस तक की फ्री राइटिंग लिखनी है। फ्री राइटिंग का मतलब है आपको सोच कर नहीं लिखना। जी हाँ, शायद जैसे कभी आपने एग्जाम्स में लिखा था, जैसे आपके दिमाग में ख्याल आए उन्हें बिल्कुल वैसा ही कागज पर उतार दें। अब आपको अपनी डायरी के नीचे वो बातें, अफर्मेशंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और उस प्रोग्राम को लिखना है जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा आपको कई दिनों तक करना है। इस तरीके की खासियत ये है कि ये आपके दिमाग को तुरंत शांत कर देता है। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के फायदे तो आप सभी को पता होंगे। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, 100 मर्ज की 1 दवा। ठीक ठीक कुछ ऐसा ही हम मेडिटेशन को बोल सकते हैं। ये आपके दिमाग को शांत करता है और इस मेडिटेशन को आप सोते समय भी कर सकते हैं। इस तरीके का उपयोग करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर वन, सीधा लेट जाएं। हो सके तो पिलो यूज ना करें, और अगर उसके बिना लेटना डिफिकल्ट हो रहा हो तो एक पतला पिलो यूज करें। नंबर टू, अब अपनी सांसों पर ध्यान दें। याद रखिए, आपको सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, बस उसको ऑब्जर्व करना है बारीकी से।
नंबर 3, जब आप धीरे धीरे इसमें सफल होने लगेंगे तो कॉन्शियस माइंड स्लीप स्टेट में चला जाएगा और आप अपने विजन का विजुअलाइजेशन शुरू करें। इस टेक्निक से आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं सोते समय। बढ़ते हैं सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रिक की तरफ, जो है ब्रेन डंपिंग टेक्निक्स। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज को डंप करना मतलब उससे पीछा छुड़वाना। तो क्या हम यहाँ अपने ब्रेन से पीछा छुड़ा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ अपने थॉट्स को डंप करते हैं। आइए देखते हैं वो कैसे। ये ऐसे थॉट्स हैं जो आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक बनाते हैं। आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे डंप कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को लिखिए, फिर शांत होकर उसके सॉल्यूशन को लिखिए। अब ये देखिए कि इस कंडीशन में आपके साथ सबसे वर्स्ट थिंग क्या हो सकती है और इसके खिलाफ आपका कौन सा फैसला या आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा जो आपकी सिचुएशन को बेटर बना सकता है, उसके बारे में सोचिए और उसे लिखिए। इस तरह आप अपने नेगेटिव थॉट्स को डंप कर एक सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे टेक्निक्स थे जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के माइंड हैं। एक है कॉन्शियस तो दूसरा है सबकॉन्शियस। बट सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन आर कॉन्शियस माइंड। हम बचपन से जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, ये सब माइंड प्रोग्रामिंग के थॉट हमारे ब्रेन में फीड हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। कभी कभी हम कुछ गलत आदतों या बातों को रिपीट करते हुए गलत प्रोग्राम अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लेते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसीलिए रीप्रोग्राम करते हैं ताकि हम इन गलत बातों और आदतों को जो फीड हो चुकी हैं चैलेंज कर ठीक कर सकें। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के तरीकों के बारे में हमने जाना। तो हमने आपको जितने भी तरीके बताए हैं, इनकी खासियत ये है कि आप इन्हें सोने जाने से ठीक पहले या सोते समय कर सकते हैं। पहला तरीका हमने देखा था अफर्मेशंस का, जिसमें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए पॉजिटिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलीज करते हैं। दूसरा तरीका था विजुअलाइजेशन का, जिसमें हम अपने रोड मैप को विजुअलाइज करते हैं। तीसरा तरीका था डायरी राइटिंग का, जिसमें हम फ्री राइटिंग करने के बाद अपने अफर्मेशंस को कई बार लिखते हैं। चौथा तरीका था मेडिटेशन का, मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस करना, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का डोरवे खुल जाए और जिससे हम अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन के डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकें। पांचवा तरीका था ब्रेन डंपिंग टेक्निक का, इसमें हम अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं, फिर उन सवालों के सॉल्यूशंस को लिखते हैं और उसकी कोडिंग एक्शंस लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।